हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, बात ये है कि यार लाइट का बड़ा मसला आता है ये पीछे से। ठीक है, मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ तो फिर वीडियो बनानी होती है तो यही एक मिलता है कि सामने रख लूँ, तो ये लाइट का थोड़ा मसला आता है, इसको थोड़ा सा कर लेंगे। ठीक। अच्छा, ये वीडियो थी कि मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा नए सिगरेट्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं यार, और मैं उसके ऊपर परस्यू तो नहीं करता, बट मैं आप जो निकोटीन टाइप चीज़ है वो शो नहीं करूँगा, वीडियो में दिखाऊँगा नहीं, बट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि लोग आप पूछते हैं यार। इसको मैं प्रमोट नहीं करता यार, हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं कोई सिगरेट गुरु नहीं हूँ, स्मोकिंग गुरु नहीं हूँ, ऐसी मैंने वीडियोस बनाई थी और मैंने मतलब ऐसे फन वीडियोस बनाते बनाते मैं ठीक है वीडियोस बनानी शुरू कर दी, उसके बाद मैं आपको पता नहीं बना रहा। तो ये वीडियो है कि मालब्रो जो है उसके अंदर कितनी निकोटीन है, मतलब काफ़ी आती है कि निकोटीन, तो मैंने कौन सी सिगरेट में कितनी निकोटीन है, कौन सा हार्ड लाइट, तो एक छोटी सी वीडियो ये है, इसके अंदर मैं मालब्रो को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि मालब्रो सिगरेट के अंदर कितनी निकोटीन जो है ना वो होती है। तो इस टाइम जो बेस्ट सेलिंग सिगरेट है वो भी मालब्रो ही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2017 जो अमेरिकन रिपोर्ट है, अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा मालब्रो बिका है, और पाकिस्तान में मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा टोबैको शॉप्स पे के मालब्रो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेल होता है, लूज़ में भी और पैकेट में भी। तो यार कुछ तकरीबन 40 से अबव जो है ना वो मालब्रो सिगरेट्स की टाइप्स हैं, डिफरेंट पैक्स हैं, डिफरेंट। उसके अंदर मैं एक वेबसाइट खोली हुई थी, उसमें लिखा हुआ था, अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ, कि एक मालब्रो टच है, फिर मालब्रो टच, फिर मालब्रो एडवांस, फिर मालब्रो डब्ल्यू बर्स्ट, मालब्रो क्रैटिकमेंट, मालब्रो प्रीमियम ब्लैक, छः सिगरेट्स आ रहे थे। तो इसका लिखा था कि मालब्रो जो टच है वो स्पेन में लॉन्च हुआ था, मालब्रो टच एक और वो एक क्रोशिया में हुआ था, ब्लू कलर की उसकी पैकिंग है, फिर एक मलेशिया में हुआ था मालब्रो एडवांस, फिर एक जापान में हुआ है मालब्रो डब्ल्यू बर्स्ट, फिर एक क्रैटिकमेंट मालब्रो सिगरेट है वो मैक्सिको में लॉन्च हुआ है, मालब्रो प्रीमियम ब्लैक जो है वो लॉन्च इन द गल्फ मतलब अरब एरियाज के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा जैसे हमारे पाकिस्तान में जो है वो मालब्रो रेड, मालब्रो लाइट्स ज़्यादा ये चलता है, उसके अलावा भी हैं मालब्रो पता नहीं कौन कौन से पर्शियन टाइप ये वो। तो जो मालब्रो रेड है, जो हार्ड है, जो मैंने भी पिया है बहुत, 2017-18 में बहुत पिया है, और उससे काफ़ी ज़्यादा अंदर गर्मी हो जाती है, क्यों? उसके अंदर 10.9 mg निकोटीन है। तो और जो लाइट वाला बहुत लाइट है, उसके अंदर 0.621 mg की निकोटीन है, और उससे भी एक लाइट आता है मालब्रो अल्ट्रा लाइट, तो मालब्रो अल्ट्रा लाइट्स के अंदर 0.5 mg निकोटीन है। ठीक है, ये मेजर मुझे तो इसके बारे में ही पता है कि मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, और ये मेरा टेस्ट नहीं है कि मैं आप एक सिगरेट के अंदर डिटेल में चला रहा हूँ। तो मालब्रो ब्रांड के अंदर जो मालब्रो रेड है 10.9 mg, 11 mg सबसे हार्ड है जो, और उसके बाद लाइट 1 mg, उससे भी अल्ट्रा लाइट 0.5 mg। तो ये मालब्रो की थोड़ी ही डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं, थोड़ा गूगल खुद भी कर लें, उसके अंदर सारी डिटेल्स आ जाती हैं। बाकी ये है कि यार सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है, छूटती नहीं है, बट ये है कि आप छोड़ो आहिस्ता आहिस्ता। उसका तरीका ये है कि आप कोई अल्टरनेट उसका लो जिसमें कम निकोटीन है, और ऐसे अल्टरनेट लो कि अल्टरनेट लेके आप अपना स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ो। ठीक है, चीज़ अच्छी नहीं है यार, इवन कि मैं स्मोकिंग करता था, उसके बाद आप थोड़ी कम कर दी, अभी करते हैं बट बहुत कम करते हैं। तो उसमें ये कि यार जो आपका स्टेमिना है और जो मतलब हेल्थ के लिए बुरा है, सिगरेट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर ह्यूमन बॉडी और एनीवन बॉडी, तो इसलिए ये ना समझे कि यार अब मैं सिगरेट गुरु ही हूँ। हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, बट सिगरेट को आप बिल्कुल ही मेरे ऊपर इम्पोज ना कर दें कि ये सिगरेट मैन है। तो